पहले दोस्ती, फिर प्रेम विवाह, और उसके बाद महिला को मिल गई पुलिस की नौकरी, और फिर अवैध संबंधों के शक में उजड़ गया पूरा हंसता खेलता परिवार। जी हाँ, ये कहानी है भागलपुर की, बिहार का भागलपुर, जहां पर आज 5 हत्याएं हुई हैं, 5 लोगों का शव एक कमरे में बंद मिला है। भागलपुर के पुलिस लाइन में महिला कांस्टेबल के पति पंकज ने जो हैवानियत की, उसके पीछे चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। उसे पहले नीतू से प्यार हुआ, फिर इजहार और परिवार की रजामंदी से शादी हुई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल नीतू के ऊपर उसका पति शक करता था और खुद बेरोजगार था। पुलिस लाइन के CB 38 क्वार्टर में जब पुलिस पहुंची तो हर तरफ खून ही खून बिखरा था। मौके पर पुलिस को 5 शव मिले, महिला सिपाही और उसके 2 बच्चों और मां की लाश देख पता लग रहा था कि हत्या की गई है। पूरे परिवार को मारकर आरोपी पति भी फंदे पर लटक गया, सभी को गला रेत कर मारा गया था। बता दे कि नीतू SSP कार्यालय में तैनात थी। आपसी कलह की वजह से वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया। मौके पर एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने परिवार के 4 लोगों की हत्या की बात कबूली है। आरोपी को पत्नी के अवैध संबंधों का शक था। वारदात के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप है। मौके पर DIG, SSP, CTSP, CTDSP, DSP लाइन समेत दर्जनों अफसरों ने आकर जांच की है। DIG विवेकानंद ने बताया है कि कांस्टेबल नीतू कुमारी, उसके 2 बच्चों और सास के खून से लथपथ शव मिले हैं। चारों का गला रेता गया है, जबकि नीतू के पति का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया है। परिजनों को सूचना दी गई है। कहाँ के रहने वाले हैं सरिल? ये बक्सर के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो है लव मैरिज किया था, और इन 2015 की नीतू कुमारी जो है 2015 बैच की कांस्टेबल है। सर, रात में कोई पड़ोसियों को भनक भी नहीं लगी इसकी? बीते कई दिन से दोनों में आपस में झंझट चल रहा था, और जानकारी मिल रही है कि रोड पर भी इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। कल शाम में भी झगड़ा होने की बात प्रकाश में आ रही है, तो दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इस क्रम में इस तरह की दर्दनाक घटना होगी वो कल्पना से परे है। हम लोग सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। पति की कहीं कोई शिकायत तो नहीं की थी सिपाही ने आज तक कभी? नहीं, उन्होंने किसी के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। जो भी मामला था पति पत्नी के बीच ही था, लेकिन आसपास के लोगों का जो कांस्टेबल्स वगैरह हैं उनके परिजन सभी से पूछताछ से पता चल रहा है कि दोनों के बीच में अक्सर मारपीट, ये अक्सर लड़ाई हो रही थी जो कई बार रोड पर भी दिखती थी। सर, विवाद का कोई मुख्य कारण भी आ रहा है सामने? विवाद ये तो जांच का विषय है, परंतु जो सुसाइड नोट है उसमें किसी से संबंध होने का आरोप जो है पति ने लगाया है, जिसके बाद की यह घटना घटी है। हम सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। आसपास के पुलिस कर्मियों से पता चला है कि पति पत्नी में आपस में कई दिनों से झगड़ा चल रहा था। दोनों के बीच सड़क पर लड़ाई हो जाती थी। कल शाम भी दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। पुलिस लाइन में एंट्री बंद कर दी गई, सभी दरवाजों को सील कर दिया गया। मीडिया को भी बिहार पुलिस ने कवरेज से रोक दिया। मृतक महिला सिपाही नीतू कुमारी 2015 में पुलिस में भर्ती हुई थी। नीतू ने लव मैरिज की थी। मॉल में उसकी मुलाकात आरा के रहने वाले पंकज से हुई थी। 2 साल पहले नीतू का ट्रांसफर भागलपुर हुआ था, इससे पहले वह नौगछिया में तैनात थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि नीतू पहले मॉल में काम करती थी, वहीं पर पंकज भी काम करता था। दोनों की आपस में दोस्ती हो गई और उसके बाद प्रेम हो गया, और फिर दोनों ने परिवारों की रजामंदी से शादी भी कर ली। 2 बच्चे भी हो गए, एक बच्चा 4.5 साल का था जो कि बेटा था, और एक बेटी 3.5 साल की बताई जाती है। इन 2 मासूमों का भी कत्ल हो चुका है। कत्ल किसने किया है यह खुलासा भी नहीं हुआ है। सुसाइड नोट में उसके पति ने कहा है कि पत्नी ने ही दोनों बच्चों को मारा और उसके बाद सास की भी हत्या कर दी, यानी कि पति की मां की भी हत्या उसने कर दी, और उसके बाद पति ने ईंट से कुचलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर वो फंदे पर लटक गया है। कहानी कुछ इस तरह से है, लेकिन पुलिसिया जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।